हाय, दिस इज साहिल खुराना। वेलकम टू द चैनल मर्चेंट्स नेवी गाइडेंस बाय साहिल खुराना। अगर आपने अभी तक चैनल ये वाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट में डालें, क्योंकि हम डेली बेसिस के तौर पे ही वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आपको रिप्लाई दे रहे हैं, तो जरूर इसको करिएगा। अच्छा, अभी जो लास्ट में मैंने कुछ शिप्स बताए थे, तो अभी एक शिप्स की कैटेगरीज भी आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, कि किस तरह की शिप्स होती है। तो आज कंटेनर शिप के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा इन शॉर्ट। तो जो कंटेनर शिप्स हैं, कार्गो शिप्स भी बोलते हैं उनको, उनका काम होता है कंटेनर्स को सप्लाई करना, उनको लोड करना, अनलोड करना। तो ये कंटेनर शिप्स हैं। इसमें आगे क्या क्या होता है, इसमें एक तो कैपेसिटी बहुत होती है, मतलब जो फ्रेशर्स को भेजते हैं, आप सब फ्रेशर के लिए मोस्टली कह रहा हूँ, उन शिप्स से बहुत बड़े शिप्स हैं ये। फ्रेशर्स को नॉर्मली इन शिप्स पे जॉब नहीं मिलती। आगे मैं आपको बताता हूँ, 90% ऑफ नॉन बल्क कार्गो जो है, ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड वाइड जो सामान लोड अनलोड किया जाता है, भेजा जाता है, वो कंटेनर शिप से होता है। उसके बाद पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो मैयर होता है इसका, जो मैयर करते हैं वो TEU में होता है, जैसे कि GIT और डेडवेट टनेज होता है, उसी तरह से इधर मेजरमेंट होती है TEU से। इसका है 20 फुट इक्वावेलेंट यूनिट, इसका मतलब एक मेजरिंग का जो है वो सोर्स होता है, वो मैं बता रहा हूँ। कंटेनर शिप्स जो होते हैं उसमें क्रेन्स भी होती हैं मोस्टली, तो क्रेन्स का ऑपरेटर भी होता है, क्रेन ऑपरेट करता है, क्योंकि आप जब लोड अनलोड करते हो तो क्रेन की वजह से वो पिक करके दूसरी जगह पे रखते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ, जो एक लैशिंग सिस्टम होता है, और लैशिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया कि एक तो लैशिंग होती है पैसों वाली, वो वाली नहीं कह रहा इस लाइन में, जो लैशिंग सिस्टम है वो लॉक्स की बात की गई है, हैचिस की बात की गई है, कि बहुत ही सेफ्टी से जो कंटेनर्स हैं वो लॉक किए जाते हैं, जैसे रॉड से, रिजिड रॉड्स हो गई, वायर रॉड्स हो गई, लोहे की रॉड हो गई, वो सब मतलब सेफ्टी से इनको लिया जाता है, आगे पहुंचाया जाता है। और आगे बताता हूँ, क्रू के लिए अगर आप AB हैं, मेरे हिसाब से फ्रेशर्स को इसमें नहीं जॉब मिलती इजीली, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज के वेसल होते हैं। अगर आप AB हैं, आपके पास मिनिमम 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और आप इस पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए एज एन AB, और या फिर इंजन साइड में, लेकिन फ्रेशर्स नहीं। इसमें स्पेशलिटी ये है कि एज कम्पेयर टू द अदर वेसल्स आई टोल्ड यू बिफोर, इसमें रूम्स की कैपेसिटी ज्यादा होती है, रूम्स बड़े होते हैं, इसमें मतलब फैसिलिटीज भी आपको मिलेंगी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक बात, लार्जेस्ट जो कंटेनरशिप है वो है मायर्स का, मैं आपको बताता हूँ, वो 2013 में बना है, 18,270 18,270 TEU, जो मैंने आपको बताया 20 फुट इक्वेलेंट यूनिट्स, ये एक मेजरिंग सिस्टम है। सबसे बड़ा है मायर्स मैकिनी मिलर का जो शिप है, 2013 में बना है। आप प्लीज कंटेनर शिप्स का इसका नाम भी लिखेगा और पिक्चर्स देखिएगा, तो और नॉलेज आपको पता लग जाएगी। और इसमें काम क्या होता है, शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मल काम है लोअर रैंक्स के, उनका सेम होता है, जैसे कि चिपिंग, पेंटिंग करना, कंटेनर्स में साइट सीइंग करना। रात को आपकी वॉच है, ड्यूटी है 4 घंटे की या 5 घंटे की, तो आपने कंटेनर्स का साइट सीइंग, जिसे वॉच कीपिंग कह देते हैं, चलो कि देखना होता है। इसके बाद चिपिंग पेंटिंग मैंने बताया, वो तो होती होती है जो नीचे के रैंक के बंदे हैं। लैशिंग सिस्टम वही, जो लॉक्स वगैरह टाइम टाइम पे चेक करने की ठीक है या नहीं। और इसके अलावा स्टेयरिंग चलाना, वो तो आपको मैंने अगली पिछली वीडियोस में बताया था कि कैसे कैसे होता है, स्टेयरिंग भी चलाना पड़ता है फ्रेशर्स को भी इवन। और क्रेन ऑपरेटर्स, जो क्रेन का स्पेशल उनके पास लाइसेंस होता है, जो ऑपरेट करना जानते हैं, उनका काम होता है सिर्फ क्रेन का, बाकी बिल्कुल सेम होता है जो काम मैंने बता रखे हैं। और इनके यूजेज हैं क्या, ये है 90% पूरे वर्ल्ड में नियर अबाउट जो सप्लाई होता है वो कंटेनर शिप से होता है। कंटेनर शिप बहुत बड़े होते हैं, छोटे कंटेनर्स भी होते हैं और बड़े वाले भी होते हैं, वो ट्रक साइज के कंटेनर हो गए जो बड़े वाले, इनमें मटेरियल, गुड्स, मोटर, मशीनरी सब कुछ इनमें जाता है। तो दोस्तों, जो भी कुछ रह गया हो आप नीचे कमेंट करें इस वीडियो के, तो दोबारा से वीडियो बनाएंगे और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।